किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, ये ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ये भूखे हैं साहब ये निवालों को जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जी हाँ, भूख धर्म मजहब की हर दीवार को गिरा देती है। इस लॉकडाउन ने तो कम से कम इस बात को सच साबित कर दिया कि भूख टोपी और टीका लगा होने में ज़रा भी फर्क नहीं करती। सड़कों पर भूखे अपने घर जाने की जिद में जब लोग कदम बढ़ा रहे थे, तो ऐसे में तमाम लोग उनके भूखे पेटों की आग बुझाने में लगे थे। ये पता नहीं कौन धर्म या मजहब के थे, लेकिन हाँ, जब रोटी को इनका हाथ आगे बढ़ा तो धर्म और मजहब सिर्फ रोटी। अब जरा सोचिए, जो इंसान कई बार धर्म मजहब की दीवारों में कैद हो जाता है, आज वो भी यह बात सोचने पर मजबूर है कि भूखे पेट कभी भजन नहीं होता। चलिए अब जरा आपको एक ऐसी ही दिल तड़पा देने वाली खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से दिल्ली और आसपास के जिलों में लाखों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। जहां तहां फंसे इन मजदूरों को दिन में बड़ी मुश्किल से बस एक वक्त का खाना नसीब हो पा रहा है। इनका कहना है कि कोरोना का तो पता नहीं, पर भूख जरूर इन्हें मार देगी। अब जरा महक नाम की एक महिला की बेबसी की दास्तां भी सुनिए, जिसने कुछ दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है। ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और ना साधन। 22 साल की महक और उनके पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गांव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके की एक बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते सब बंद है। महक बताती है, दो दिन में बस एक बार ही खाना नसीब हुआ है। बेटी को देख पिता गोपाल के आंसू नहीं रुकते। महक ने कहा कि बस एक मुट्ठी चावल खाया है, दूध नहीं उतर रहा, भूखी बेटी को कैसे दूध पिलाऊं। ये कहानी सिर्फ महक की ही नहीं, पास में खड़ी बिहार के एक नवादा की रहने वाली चांद रानी ने भी अपनी झोपड़ी दिखाई। अंदर बस थोड़ा सा चावल था, जिसमें उन्हें अपने चार छोटे बच्चों को खाना खिलाना है। चूल्हा ठंडा पड़ा है, क्योंकि पकाने को अनाज ही नहीं है। ये करनाल हरियाणा के भट्टे में अपने पति मदन के साथ मजदूरी करती थी। पैदल चलकर किसी तरह दिल्ली पहुंच तो गई, लेकिन यहां से आगे नहीं जा सकी। वैसे दिल्ली सरकार सभी राशन कार्ड वालों को राशन दे रही है, लेकिन समस्या इन प्रवासी मजदूरों की है, जिनके पास दिल्ली का राशन कार्ड भी नहीं है। सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करने की व्यवस्था की है, लेकिन पिछले कई दिनों से रजिस्टर करने वाला पेज खुल ही नहीं रहा। अब जरा सोचिए कि लॉकडाउन को लेकर भले ही राज्य और केंद्र सरकारें यह कहती दिखाई पड़ रही हों कि वह जरूरतमंद लोगों तक हर तरह की सुविधाएं पहुंचा रही हैं, लेकिन जब महक और रानी जैसे बेबस महिलाओं को देखते हैं, तो समझ नहीं आता कि उन्हें दिलासा भी कैसे दिया जाए। धन्यवाद दिया जाए।